प्रोग्रामिंग का पी तक नहीं आता था मुझे ना जब मैं यहाँ आया हूँ। और सर इंजमान इज द बेस्ट मेंटर एवर। 15 दिसंबर को मियाँ हैकाथॉन हुआ और माशाल्लाह आफ्टर 10 डेज 26 दिसंबर को मुझे कॉल आ गई थी। इतने मैंने सीधा मुझे जॉब ऑफर की, सिर्फ मुझे देखा 3 महीने कि मैं सही काम कर रहा हूँ। प्रोबेशन पीरियड अभी थोड़ा ये फैशन बन गया कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंजमान से हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो थोड़ा मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, डिमांड ऊपर हो गई है। पान की दुकान खोलता हूँ तो उसमें जो मैं एम्प्लॉय रखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इसको पान लगाना आता है या नहीं आता। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो पान लगाने में उसने ग्रेजुएशन की है या पान लगाने का उसने अमेरिका से कोर्स किया था। तो मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं सब खैरियत से। लेकिन सर इंजमान आपके कुछ क्लास जो बैच 7 के स्टूडेंट हैं तो हम उनको सर्टिफिकेट देने के लिए जा रहे हैं। क्राइटेरिया तो सबको पता ही है। सो इसमें से स्टूडेंट ज़्यादा थे लेकिन आज हम सिर्फ 3 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देने के लिए जा रहे हैं। और ये स्टूडेंट बैच 7 में वेबिड ऐप का कोर्स कम्प्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजिशन पर काम कर रहे हैं। सो इसका डेटा मैं सर इंजमान से भी शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद शर्जील से। मोहम्मद शर्जील आप आए, सर्टिफिकेट दीजिए। अच्छा सेकंड में है मोहम्मद फहद। शशी रुकिए कदा। अच्छा सबसे लास्ट में है शाहजेब अंसारी। शजील आप बस यहाँ पे आके माइक पे ज़रा बताएं, आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है इससे पहले आपको क्या आता था? सर इंजमान ने जो ट्रेनिंग आपको दी है, जो टीच किया है, तो उसके मुताबिक ज़रा बताइए। माइक पर तो आगे करते हैं। वालेकुम। मेरा ताल्लुक नहीं था, प्रोग्रामिंग का पी तक नहीं आता था मुझे ना जब मैं यहाँ आया हूँ। और जो एटमोसफियर मिला है, जो एम्बियंस मिला है यहाँ मुझे सीखने का, और जो मेरे दोस्त बने ना, तो वो बहुत बेहतरीन हमारा एटमॉस्फेयर है। और सर इंजमान इज़ द बेस्ट मेंटर एवर। ठीक है, बस इनकी मुझे एक बात याद है, वो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, जहाँ भी कोई भी एरर होगा मैं निकल जाता हूँ। सर कहते थे बस हिम्मत नहीं आनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना आपने लगे रहना है, कोई भी एरर आ रहा है ना थोड़ी देर बाद रिजॉल्व हो जाएगा, उसको बस आपने देखना है और लगे रहना है, इसकी हिम्मत नहीं आनी, नेवर गिव अप। ठीक है, तो ये मैंने देखा और फिर मैं इस पर काम करने लग गया। माशाल्लाह कोई भी लैंग्वेज होती है ना तो उसका उसका काम देख कर लेते हैं खुद ही। तो क्या कर रहे हो, कहाँ लगे हो, बताओ जरा अभी रूटीन क्या तुम्हारी? 15 दिसंबर को मियाँ हैकाथॉन हुआ और माशाल्लाह आफ्टर 10 डेज 26 दिसंबर को मुझे कॉल आ गई थी। पोर्टफोलियो प्रोफाइल वगैरह सब पहले बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैंने जो भी पोर्टफोलियो जो भी मुझे सर टास्क देते थे ना हम लोग की क्लास को, तो हम लोग भी ऐसे मैं भी ऐसे बैठा था आप लोग की तरह, तो वो हम लोग टास्क परफॉर्म कर लेते थे तो वही हमारा पोर्टफोलियो बन जाता था, वो हमारा पोर्टफोलियो बन जाता था। उसके बाद हम CV बनाते थे, प्रोफाइल लिखते थे अपना जो भी, फिर अब अप्लाई कर दिया करते थे जॉबों के लिए ना। तो वो फिर हमें बुला लिया 10 दिन बाद 26 दिसंबर को हमें बुला लिया कि यार आप आ जाएँ। और मेरी पहली जॉब मोबाइल ऐप डेवलपर रिएक्ट नेटिव की उस पर हुई, तो तकरीबन अभी 3 महीने हो गए और मैं परमानेंट हो गया हूँ और पे भी मेरी अच्छी है। तो पहले तो यूनिवर्सिटी थी, अब मैं यूनिवर्सिटी के साथ ये भी पढ़ी रात को 9 to 11 में जैसे आप लोग बैठे हैं। फिर मैंने फिर उसको भी मैनेज किया जॉब को, अभी मैं 4th ईयर में अपने 7th सेमेस्टर है मेरा, तो मैं सुबह जाता हूँ और बड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, क्योंकि जब आप पुराने हो जाते ना तो फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। तो अब 11 बजे जाता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ, मेरी इवनिंग यूनिवर्सिटी ना, तो मैं यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू कर लेता हूँ और वो जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो रियल रिएक्ट नेटिव डेवलपर कर रहा हूँ। तो पहले इंटर्नशिप करी, इसके बाद जॉब परमानेंट हुई या पहले डायरेक्ट जॉब हुई आपकी? मैंने उनको कहा मेरा इंटर्नशिप नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि यार आप में कोई पोटेंशियल है, मतलब ठीक है भाई लग जाते,
तो फिर जब गए तो बस सीख लिया पूरी, मतलब वही जॉब थी आपकी, इंटर्नशिप नहीं थी। मैंने सीधा मुझे जॉब ऑफर की, सिर्फ मुझे देखा 3 महीने कि मैं सही काम कर रहा हूँ। प्रोबेशन पीरियड, बिल्कुल 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड था, मैंने कंप्लीट कर लिया और परमानेंट हो गया हूँ मैं। मेरी लाइफ में ऐसी स्टोरीज ना अब आती रहेंगी जैसे जैसे आपको पता है कि हम लोग सर्टिफिकेट भी किस तरह देते हैं। अब जैसे सबमिट करवाते रहेंगे, कुछ सर इंजमाम के स्टूडेंट हैं, कुछ दूसरे सर हैदर के स्टूडेंट हैं, कोई हॉस्पे के स्टूडेंट हैं, तो सर इस तरह हम आते रहेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे और बताते रहेंगे। अभी थोड़ा सा ये फैशन बन गया है कि स्टूडेंट अब फरमाइश करते हैं कि हमें सर इंजमाम से चाहिए। इन्होंने भी कहा था क्या? सर ये तीनों स्टूडेंट कल ये कल रात को मेरे पास आए थे, प्लीज़ हमें जो है वो सर्टिफिकेट का करवा दीजिए सर इंजमाम से। तो मैंने एक को बुलाया था लेकिन फिर ये अपने साथ एक दो और लेके आ गए, ये क्लास वाले में सर आपके ये क्लास में ही रखते। अच्छा तो क्या कहते हैं, पहले तो सैलानी बड़ा सा फंक्शन करता था, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा ये फैशन बन गया है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंजमाम से हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो थोड़ा मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, डिमांड ऊपर हो गई है। अच्छा तो आप सब लोगों को पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं कि मेरा ख्याल बैच 7 में से अभी ये यही फर्स्ट वो लोग हैं जिनको 6-7 हैं, तीन अभी नहीं पहुंच सके। तो ये बैच 7 जो हमारा इससे पहले वाला बैच था, ये बैच 8 के लोग बैठे हैं आप लोग, तो उसके वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं ये जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, हम पहले भी लाइव सेशन वगैरह करते रहे तो देखा होगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जॉब पकड़ ली है, इनको सैलानी ने सर्टिफिकेट दे दिया। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं इंटर्नशिप वगैरह पकड़ने की, जॉब पकड़ने की, तो जैसे जैसे उन लोगों को जॉब मिलती जाएगी वैसे हम उनको सर्टिफिकेट देते जाएंगे। अच्छा एक दोस्त ने पूछा मुझसे लास्ट वाले उसके बाद कि ये क्या बात है कि सैलानी से पढ़ के बच्चा निकल रहा है, आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो वह जॉब में जाके दिखाएगा क्या? तो भाई जॉब में जाके वो ये दिखाएगा जो आप सब लोग भी जो बैठे हैं, जो मेरे स्टूडेंट अभी आज शायद कुछ नए स्टूडेंट्स भी इसमें दूसरे सेशन से ऐड हुए, तो आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई असाइनमेंट देता हूँ तो वो होस्ट करना होता है, गिटहब में पुश करना होता है, वो यूआरएल आप देते हैं होस्टेड, उसमें मैं क्लिक करके उसको चेक करता हूँ लाइव, कोड तो पीछे हुआ हुआ है कुछ जो भी आपने अच्छा लिखा होगा, तो लाइव चेक करता हूँ। तो भाई वो है असल चीज़, पोर्टफोलियो। अभी डिग्री विग्री का दौर चला गया, पुराना हो गया। MIT पहले डिग्री MIT की ना बहुत वैल्यू होती थी, हार्वर्ड की ऑक्सफोर्ड की लोग मरते थे उसके डिग्री के पीछे, लेकिन अभी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं, टेक जायंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इन लोगों ने डिग्री की शर्तें खत्म कर दी हैं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी हम इस वक्त जो बेस कर रहे हैं सैलानी के जो कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं, हमारा जो प्रूफ ऑफ वर्क है जो, वो डिग्री नहीं है हमारा, हमारा प्रूफ ऑफ वर्क हमारे गिटहब में, स्टैक ओवरफ्लो की प्रोफाइल में, और हमने जो कुछ अभी तक बनाया है स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के दौरान, वो है हमारा असल प्रूफ ऑफ वर्क, वो है हमारी असल डिग्री। और जब भी यहाँ से आप निकल के जाएंगे किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, तो वो प्रूफ ऑफ वर्क, वो गिटहब की प्रोफाइल आप अपनी शो करेंगे वहाँ पे कि ये मैंने बनाया और ये मेरी कैपेबिलिटीज है। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर वो आपको कोई टास्क देते हैं, वो टास्क आप बनाएंगे। समटाइम इंटरव्यू में आजकल ऐसा होता है कि वो जाके कहते हैं यार आपने तो ठीक है बनाया, हम आपको एक टास्क देते हैं वो बना के दिखाओ, आपका टेस्ट है इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, तो वो आप बना के दिखाते हैं, आपकी जॉब मिल जाती है। किसी को डिग्री नहीं चाहिए भाई, किसी को भी डिग्री नहीं चाहिए। अगर मैं कोई दुकान खोलता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर पान की दुकान खोलता हूँ, तो उसमें जो मैं एम्प्लॉय रखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इसको पान लगाना आता है या नहीं आता, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो पान लगाने में उसने ग्रेजुएशन की है या पान लगाने का उसने अमेरिका से कोर्स किया हुआ। तो मैं देखूंगा, मैं कहूँगा खड़े हो जाओ यहाँ पान लगाओ, मुझे भी दिखाओ कैसा लगाते हो, मैं खा के देखूंगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं रखूंगा उसको। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में यही है भाई, वो बोलेगा क्या बनाया अभी तक दिखा दो, ठीक है, वो पान खा के देखेगा, कहेगा पान बनाओ, खा के देखेगा, फिर आपको बोलेगा आ जाओ, या आपको मना भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द कि क्या आपने बनाया है। बहुत शुक्रिया सर। बस ये लास्ट में बताऊँ कि आपने जो सर्टिफिकेट की बात की सर, ये जो एक हम स्टूडेंट हैं और यहाँ के एज अ TA भी कनेक्ट हुए हैं, इनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये वीकेंड के स्टूडेंट हैं और इनका अभी हैकाथॉन भी होना बाकी है, तो अभी ड्यूरिंग कोर्स ही इनको जॉब ऑफर हो गई और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला, गए वहाँ पर काम शो करवाया, प्रूफ करवाया अपने आप को, जॉब हो गई। इसी तरह से बैच 7 के रॉस भाई हमारे पढ़ाते मॉर्निंग में,
तो उनके एक स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए गए और वहाँ पे जब अपने आप को खुद को प्रूव किया तो आफ्टर वन वीक उन्होंने कहा यार आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इंटर्नशिप वाली नहीं है, तो आप एक काम करो हम आपको प्रमोट कर दें एज अ डेवलपर, आप अपने अंडर में 3 इंटर्नशिप रख लो, लड़के रख लो। तो अपनी ही क्लास से वो 3 लड़के लेके गए और वो उन्हीं की क्लास के लड़के इंटर्नशिप पे उनके साथ लगे हैं और वो खुद अच्छी पोस्ट पर है, तो अभी तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो देखो ये प्रूफ करोगे तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो सर ये चीज़ है। तो आई होप कि इस तरह के स्टूडेंट आप मजीद आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।